हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है ISKCON पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल पर। ISKCON पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल का पर्पस है कि हम हर रोज आपके सामने ला सके भगवान के सुंदर दर्शन, सुंदर कीर्तन, कृष्ण कथा, भजन और आने वाले नए उत्सव। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच में विशेष भक्त उपस्थित हैं, बहुत ही वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस नरसिंह चैतन्य प्रभु। तो प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय, प्रभु जी 1977 में ISKCON ज्वाइन किया था और परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी जो हैं ISKCON बाल्टीमोर USA में ISKCON बाल्टीमोर के प्रेजिडेंट हैं। और इससे पहले प्रभु जी ने बहुत सारी सेवाएँ ISKCON में की हैं, विशेषकर ISKCON जुहू में गोविंदा रेस्टोरेंट के मैनेजर रहे हैं, न्यू भक्ता डायरेक्टर रहे हैं और बहुत सारे ड्रामे प्रभु जी ने पार्टिसिपेट किया है। और विशेषकर जो हरिदास ठाकुर मूवी है उसमें हरिदास ठाकुर का रोल प्रभु जी ने किया था। और प्रभु जी संन्यास कैंडिडेट हैं और तो हम प्रभु जी का ISKCON पंजाबी बाग में प्रथम बार आए हैं, इनका एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और साथ में स्वागत करते हैं इसके लिए जगन्नाथ गौरांग प्रभु का जो प्रभु जी के साथ आए। हरे सभी भक्त अपना मोबाइल फोन कृपया करके स्विच ऑफ कर लीजिए, साइलेंट मोड पर कर लीजिए ताकि कथाएं बाधा ना आए। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों के लिए ये जानना आवश्यक है यदि मैं भक्तिचार्य महाराज जी के साथ हूँ अब, पर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मेरे सर्वप्रथम गुरु हैं। उनके साथ 77 से लेकर के 98 तक मैं उन्हीं के साथ में रहा। गिरिराज स्वामी और गोपाल कृष्ण महाराज के साथ में ही था। जब मैंने इनिशिएशन लिया तब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी गुरु के आसन पर नहीं थे। 85 में वो और हमारे जो मणिपुर महाराज हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज, दोनों ने जीबीसी बड़े ने उन्हें अप्रूव किया। तब तक उसके पश्चात जब ISKCON के ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ, फिर मैं भक्तिचार्य महाराज की था, परंतु वास्तव में गोपाल कृष्ण महाराज आज भी मेरे शिक्षा गुरु हैं और गुरु रूप में हैं। उन दिनों में यदि गोपाल कृष्ण महाराज गुरु की आसन पर होते तो मैं गोपाल कृष्ण महाराज से ही दीक्षा लेता, चाहे हम दीक्षा किसी से भी लें। भक्त लोग, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी ने ये जो मंदिर बनाया ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हम सभी के लिए। जो जो भक्त ISKCON के अंदर हैं सभी का इतना ही अवदान है, इतना ही रोल है जो और सभी का भी है, क्योंकि ISKCON सारा संसार के एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर सारा संसार जी सकता है, ये प्रभुपाद जी का विजन था। और पद्म पुराण में एक श्लोक की व्याख्या है, सकल भुवन मध्य निर्धना स्तेपि धन्या निवसते हृदयस्ते श्रं श्री भक्तिरेकः हरिरपि निजधामं सर्वथा तं विहाय प्रविशन्ति हृदिस्तेषं प्रविशन्ति हृदिस्तेषं भक्ति सूत्रो पनब्ध। वो भक्त चतुर्दश ब्रह्मांड में बड़े भाग्यशाली है चाहे वो कितना निर्धन क्यों ना हुआ हो, जिसने अपने हृदय में भक्ति देवी को बसाया है। और जब भक्ति देवी किसी के हृदय में निवास कर जाए
हरिरपि निज धामम सर्वथा तंग विहाय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गोलक धाम में भी नहीं रह सकते, वो गोलक को छोड़ करके उस भक्त की हृदय में ऐसे ही घुस जाते हैं। घुसने के बाद उन्हें निकाल तो निकाला नहीं जा सकता। जैसे कि भक्ति सूत्रोपनवधा, हमने प्रभुपाद जी के गले में, भगवान की गले में हम माला देखते हैं। माला बहु फूलों की समावेश से ही बना हुआ नहीं बना, परंतु वो बंधा किससे है? एक सूत्र से, धागा से। ऐसे ही भक्ति सूत्र से जब भगवान बंध जाए, जिस प्रकार फूल की मालाएं व फूल कहीं भी हिल नहीं सकते क्योंकि सूत्र से बंधा हुआ है माला रूप में, उसी प्रकार वो भक्त भक्ति सूत्र से भगवान को बांध लिया है, भगवान चाहे तो भक्त से दूर नहीं हो सकते। समझ में आया? इसलिए ओ नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायने ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्य कर्मबंध विदाहिने अज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शिष्याणं मोक्षदानाय लीलाया देहधारिणे स्वदेपेह देपेह तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदं स्वरूपं शरण्येकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिं शरण्यवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाञ्चलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रिकन्दरानन्दी मन्दरालयवन्दितं वन्दे वन्दारुमन्दिरम् इन्दिरा मन्दिरम् ध्याये ब्रह्मण्डनीलसुन्दरतनुं रत्नसिंहा
सनस्थम तदक्षे भद्रदात्रे रुचि रुचिरतरा भाग्यदात्रे सुभद्रा तदक्षे कामपालं धवल भरतनुं लंगलं जश्यपाणो श्रीलक्ष्मीरेवतिद्वये परिविशतु सदा ब्रह्मदारुं स्मरामि दारो ब्रह्मं नमामि नीलाद्रौ शंख मध्ये सततल कमले रत्नसिंहासनस्थं नानालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्रायं वामभागे रथतरजुतं ब्रह्म रुद्रिञ्जवंद्यं देवानं सारमीशं स्वजन परिवृतं दारु ब्रह्मं स्मरामि ब्रह्मदारुं नमामि द्रौभ्यं द्रौभ्यं शोभितं लांगलं समुसलं कादंबरी चंचलं रत्नाठावरं कुंडलं भुजबले आक्रांतं भ्रूमंडलं वज्रभ्रामरे चारुगंडजुगलं नागेन्द्र हारज्वलं संग्रामे चपलं शशांकधवलं श्री कामपालं भजेत श्री बलरामं भजे सर्वाभरणभूषितं सुमनसं आनंदकल्लोलने वंदे नीललनयन सुमनसा श्रीरामकृष्णानुजं सर्वलक्षणसंपन्नं सुमनसं त्रैलोक्यसम्मोहिनी दैवी संभव दुःखदाह समने देवी सुभद्रं भजेत् नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने जगन्नाथ बलभद्रो सुभद्रेभ्यो नमस्तुते। ओम वेदान्नो धरते जगन्ने बहते भूगोल मद्वीव्रते दैत्यं धारयते बलिं क्षलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलंकलयते कारुण्यमातन्नते म्लेच्छान मूर्च्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्त्वमहं वंदे परमानंदमाधवं भज गोविंद गोविंद गोपाल
भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंद लाल भज मुरली मनोहर नंद लाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल श्रीमद् भागवतम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 24 25 लाइव ऑल टू 40 राइट 32 ऑनवर्ड्स ओके 32 इसमें प्रपट नहीं है पर 40वां श्लोक आपके बोर्ड के ऊपर है पर मैं पढ़ जाता हूँ ताकि अधूरा ना रहे पर 40वां श्लोक को हम सभी एकत्र होकर के पाठ करेंगे दृष्ट्वा नहीं लेट मी रीड ओनली दृष्ट्वा सोसैन्यम रुधिरौघ कर्दमे अरणाजिरे राम कुठारसायकैहि विप्रुपणर्म धोचाप विग्रहम निपातितम हेहय आपतत रुषा श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी की जय अनुवाद अपने फर से तथा बाणों को व्यवस्थित करके परशुराम ने कार्तविर्यार्जुन के सिपाहियों की ढालों उनके झंडों धनुषों तथा उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले जो युद्ध भूमि में गिर गए और जिनके रक्त से भूमि पंकिल हो गई अपनी पराजय होते देखकर अत्यंत क्रोध होकर कार्तविर्यार्जुन युद्ध भूमि की ओर लपका अनुवाद दूसरा श्लोक का अब कार्तविर्यार्जुन ने परशुराम को मारने के लिए 1000 भुजाओं में एक साथ 500 धनुष पर बाण चढ़ा दिए किंतु श्रेष्ठ लड़ाकू भगवान परशुराम ने एक ही धनुष से इतने बाणों छोड़े कि कार्तविर्यार्जुन के हाथों के सारे धनुष तथा बाण तुरंत कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए तीसरा श्लोक के अनुवाद जब कार्तविर्यार्जुन के बाण छिन्न भिन्न हो गए तो उसके अपने हाथों से अनेक वृक्ष तथा पर्वत उखाड़ लिए और वह फिर से परशुराम जी को मारने के लिए उनकी ओर तेजी से दौड़ा किंतु परशुराम ने अपने फर से अत्यंत वेग से कार्तविर्यार्जुन की भुजाएं काट ली जिस तरह कोई सर्प के फनों को काट ले अनुवाद 35 एवं 36वां श्लोकों का तत्पश्चात परशुराम ने बाह कटे कार्तविर्यार्जुन के सिर को पर्वत श्रृंग के समान काट लिया जब कार्तविर्यार्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे सब डर के मारे भाग गए तब शत्रु का वध करके परशुराम ने कामधेनु को छुड़ाया
जिससे काफी कष्ट मिल चुका था और वे उसे बछड़े समेत अपने घर ले आए तथा उसे अपने पिता जमदग्नि को दे दिया। अनुवाद 37वां श्लोक का। परशुराम ने कार्तवीर्य के वध संबंधी अपने कार्यकलापों का वर्णन अपने पिता तथा भाइयों से किया। इन कार्यों को सुनकर जमदग्नि अपने पुत्र से इस प्रकार बोले। 38वां श्लोक। हे वीर, हे पुत्र परशुराम, तुमने व्यर्थ ही राजा को मार डाला है, क्योंकि वह सारे देवताओं का मूर्त रूप माना जाता है। इस प्रकार तुमने पाप किया है। 39 श्लोकों का अनुवाद। हे पुत्र, हम सभी ब्राह्मण हैं और अपनी क्षमाशीलता के कारण जन सामान्य के लिए पूज्य बने हुए हैं। इस गुणों के कारण ही इस ब्रह्मांड के परम गुरु ब्रह्मा जी को उनका पद प्राप्त हुआ है। 40वां श्लोक। अब आप लोग मेरा साथ पढ़िए। क्षमया रोचते लक्ष्मी, क्षमया रोचते लक्ष्मी, ब्रह्मे सौरी यथा प्रभा, ब्रह्मे सौरी यथा प्रभा, क्षमीण मासु भगवान् स्तु। क्षमीण मासु भगवान् स्तु। हस्यते हरिरीश्वरः, हस्यते हरिरीश्वरः, क्षमया रोचते लक्ष्मीर्, ब्रह्मेश्वरे यथा प्रभा, क्षमीणम् आसु भगवास्तु। शते हरिरीश्वर। अनुवाद तथा तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वे क्षमाशीलता के गुण का संवर्धन करें, क्योंकि यह सूर्य के समान तेजवान है। भगवान हरि क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यद्यपि कोयल काली होती है, किंतु अपनी मीठी वाणी के कारण सुंदर है। इसी प्रकार स्त्री अपने सतीत्व तथा पति के प्रति आज्ञाकारिता से सुंदर बनती है, और कुरूप व्यक्ति पंडित बनने पर सुंदर बनता है।
इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र अपने अपने गुणों के कारण सुंदर होते हैं। ब्राह्मण तब सुंदर बनते हैं जब वे क्षमाशील होते हैं, क्षत्रिय तब जब वे वीर हों और युद्ध में मुख न मोड़े, वैश्य तथा जब वे सांस्कृतिक कार्य को समृद्ध करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं, तथा शूद्र तब जब वे अपने स्वामियों को प्रसन्न करते हुए अपने कर्तव्य का विश्वासपूर्वक पालन करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों से सुंदर बन जाता है। और जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, ब्राह्मण का विशिष्ट गुण क्षमाशीलता है। इस श्लोक की व्याख्या करने पहले थोड़ी सी शब्द में भगवान परशुराम कौन है और कुछ बातें। सबसे पहले जयदेव गोस्वामी की विरचित दशावतार स्तुति में परशुराम जी एक दस अवतारों में से एक अवतार है। क्षत्रिय रुधिर मय जगत भगत पापम स्नपयसी पयसी समित भवतापम केशव ध्रुत भुगपति रूप या केशव ध्रुत परशुराम रूप जय जगदीश हरे। भगवान परशुराम 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। एक बार की कथा परशुराम जी के चरित्र में आता है। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका, एक दिन संध्या आगत होती है। संध्या का परिभाषा शास्त्रों में इसलिए बताया, जब अपने आंखों से अपना लोग ना दिखे वो संध्या है। जब गोधुली से गायें वापस आए और उनके धूर से रास्ता ना दिखा जाए वो संध्या है। और उस संध्या का दूसरी अर्थ में रात्रि का आगमन और दिवस का विदाई की मध्यस्थित स्थल को संध्या कहा गया है। निशा निशिथिनी रात्रि त्रिजामा क्षणदा क्षपा विभावरी तपस्विन्यो रजनी जामिनी तमे, ये 12 नाम रात्रि के हैं। रात्रि आने से पहले जो अवस्था संध्या का है, और संध्या काल में भूत प्रेतों का आना जाना होता है। इसलिए संध्या काल में हम सभी गायत्री इत्यादि व मंदिर में आरती इत्यादि क्या करते हैं, शिव के अनुचर घूमते रहते हैं संध्या के समय में। तो संध्या आगत होने वाली है पर हुआ नहीं है। रेणुका अपने घर की गगरी लेकर के नदी में गई जल भरने के लिए, और संध्या स्नान करके वापस आएगी और घर की जो कार्य है उसको संवारेगी। इस अवस्था में जब वो गगरी को भर रही थी, उन्होंने क्या देखा, जो जल के ऊपर एक रथ चला जा रहा है, छाया, रथ की छाया जल के ऊपर प्रतिबिंब रूप में पड़ा हुआ है। तब रेणुका जल भरती हुई थोड़ा ऊपर की ओर देखी, उन्होंने क्या देखा, जो चित्र रथ बड़े देवताओं में सुंदर होते हैं, वो अपनी पत्नी को लेकर के रथारूढ़ होकर के आनंद में ठिठुलीपन कर रहा था। और इसी बात को केवल रेणुका दर्शन किए और मन में सोचती है चित्ररथ कितना सुंदर है। और संध्या तर्पण में बैठे हुए थे, संध्या आने वाली है, संध्या वंदन में संध्या को स्वागत करने के लिए बैठे हुए थे जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि आंखें बंद किए तो क्या देख रहे हैं, ना पत्नी जल भरते समय सोच रही है चित्ररथ को, तो बोले तो अपवित्र हो गई।
मन टल गया। सत्य युग में मन में कोई विचार आ जाए वो काउंटेबल होता था, पर कलयुग के लिए ये नहीं है। कलयुग की स्पेशल मर्जी है, मन में कोई अपराध हो जाए वो काउंटेबल नहीं है, पर जो दोनों अदर अपराध है, शारीरिक और वाचिक, वाणी से और शरीर से, इसकी अगर मैं बात करूं तो हम प्रॉपर से बाहर जाएंगे, इसलिए कभी और। किंतु मन में जब विचार आया तो तुरंत यमदग्नि ऋषि अपने पुत्र को बुलाए, परशुराम जी को बोले, परशुराम तुम्हारी माँ अभी असती हो गई। बोले पिता क्या करना चाहिए? देखो पुत्र का कर्तव्य है, जो सुपुत्र कुलदीपक, जो सुपुत्र होता है वो कुल की दीपक का काम करता है, अर्थात कुल को उज्ज्वल कराता है। पुत्र का तीन काम शास्त्रों ने बड़े सुंदर ढंग से बताया। प्रथम बात, वंचन्ते आज्ञापालनम, जब तक पिता और माता जीवित हो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मृता है भरि भोजनम, जब पिता माता की देहांत हो जाए तो बंधु वर्गों को बुला करके भरपेट भोजन कराना चाहिए। और गया च पिंड दाने च त्रिभिकार्य सुपुत्र कहा, और वार्षिक श्राद्ध के रूप में एक बार गया में जा करके पिंड दान दे आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी किया, भगवान राम ने भी किया, इत्यादि इत्यादि। तो परशुराम बड़े आज्ञाधीन थे पिता के। परशुराम जी बोले पिता क्या करना चाहिए? बोले मातृ माँ को काट दो, गर्दन से काट दो। और परशुराम जी ने अपनी फर्श से माँ को हत्या कर दी। पर परशुराम बड़े मेधावी पुत्र थे। परशुराम जी को ये पता था कि मेरे पिता जो बोल रहे हैं इसके बाद वो जरूर मुझे पूछेंगे क्या चाहिए वर, और मैं मेरी माँ को मांगूंगा और मेरी माँ जीवित होगी। परशुराम जी को ये पता था। और जब परशुराम मातृवध किए तो तुरंत प्रसन्न होकर के जमदग्नि से बोले बेटा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुझे क्या चाहिए? बोले मेरी माँ को वापस चाहिए। और जमदग्नि ऋषि ने रेणुका को वापस ले लिया, अर्थात जीवित कर दिया। क्या टेक्निक था वो मंत्रों का? मंत्र मन त्रायतीति मंत्र, आप पहले श्लोक में पढ़ा जे जो कार्तवीर्य और कार्तवीर्यार्जुन एक हजारों तीर एक साथ छोड़ दिया, और भगवान परशुराम ने एक तीर से सबको काट दिया। कैसा संभव है? देखो भक्तों, आपने रामायण की कथा में सुने होंगे जी पिता रामचंद्र और लक्ष्मण जी के पिताजी दशरथ श्राप से ग्रसित हुए, एक बालक को उन्होंने तीर से बिद दिया, वो था श्रवण कुमार। स्टोरी इस प्रकार की है, कुछ मंत्र केवल ब्राह्मण के लिए होते हैं, कुछ अस्त्र जैसे कि शब्दभेदी बाण। शब्दभेदी बाण कहां से शब्द कौन सी दिशा में आ रहा है वो शब्द को सुन करके बाण चला दिया जाए, शब्द जहां से आ रहा है उससे बाण लग जाएगा। और प्रभात समय में क्षत्रिय कुल में जन्म हुए दशरथ जी ब्राह्मण की मंत्र को प्रयोग कर दिया, तभी फल उल्टा हो गया। जो जैसे गायत्री मंत्र ब्राह्मण के अधिकार में, जो ब्राह्मण है वो जप करे, किंतु आज घोर कलयुग में कोई भी जप उच्चारण करके बाहर कर देता है, जबकि वो मंत्र बहुत सीक्रेटिव मंत्र है। और मंत्र का अर्थ है मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को शांत पहुंचाए वो मंत्र है, मन को एकाग्र करे वो मंत्र है। और दशरथ जी ने शब्द आ रहा था क्योंकि अंधे पिता माता की बेटा था,
और सवेरे सवेरे पिता माता को पानी पिलाने के लिए वो नदी में जल भरने आए थे श्रवण कुमार, और जल को जो भर रहे थे जो शब्द उससे हुआ तो राजा दशरथ ये सोच रहे थे उस पार में जे कोई हिरण पानी पी रहा है, तो हिरण को मारने सोच करके जहां से शब्द आ रहा था वहां पर उन्होंने शब्द वेदी बाण चला दिया, जबकि शब्द वेदी बाण केवल ब्राह्मण की अधिकार में है, परंतु क्षत्रिय होने के कारण जब उस मंत्र का प्रयोग करके बाण छोड़ा तो बाण में अनर्थ हो गया। क्या हुआ ना, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। फिर आगे कथा चलती है, फिर अभिशाप प्राप्त हुए इत्यादि इत्यादि बातें। तो परशुराम जी एक दस अवतार में एक अवतार है, भगवान की अनन्य अवतार है, लीला अवतार, कला अवतार इत्यादि इत्यादि, तो उनमें ये अंशावतार में आते हैं हमारे परशुराम जी। पर इस श्लोक में प्रभुपाद जी ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं, किंतु प्रभुपाद जी ने केवल हिंदी अनुवाद लिखा, श्लोकों को नहीं लिखा। वो श्लोक है जैसे कि कोकिलानं स्वररूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतां विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमा रूपं तपस्विनां। क्षमा तपस्वी का एक सबसे बड़ा आभूषण है, जो तपस्वी जीवन में हम सभी तपस्वी जीवन तो बिता रहे हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थी, सब तपस्वी जीवन है, हम तपस्या का जीवन बिता रहे हैं। प्रातः समय में जागना, 16 मालाओं को जप करना, गुरु पूजा, संध्या आरती, गीता भागवत के अध्ययन करना सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, तपस्वी ही कर सकता है, वो उसके ब्यूटी है। कोयल काला देखने के लिए है, परंतु उसकी सुंदरता क्या है ना, कोकिलानाम स्वर रूपम, उसकी जो कंठ है वो उसका रूप है, ब्यूटी है। उसी प्रकार स्त्रीणांग रूपम पतिव्रता, शास्त्रों में स्त्री चार प्रकार की होते हैं, पद्मिनी, शंखिनी, चित्रिणी और हस्तिनी, और पुरुष वर्ग भी चार प्रकार के होते हैं, शासक, अश्व, मृग और वृष। पर त्रेता युग में भगवान राम शशक पुरुष थे और उन्हीं के साथ कॉम्बिनेशन माता सीता पद्मिनी जाति की कन्या थी, परंतु कलियुग में पद्मिनी जाति कन्या पद्मिनी पद्मगंधाश्च मत्स्यगंधाश्च चित्रिणी, पद्म फूल के, कमल फूल की जो खुशबू है वो उसकी शरीर से निकलता है पद्मिनी जाति कन्या का, प्रत्येक मानव का एक स्मेल है, और जब वो सोती है उसकी आंखें बंद नहीं होती, अर्ध खुला रहता है, बाल बहुत लंबे होते हैं, और जब वो चले पैर में आवाज नहीं आती, और जो बोले जस्य भार्या गृहे नित्य मधुरा प्रिय भाषिणी तस्य वर्धन्ति गात्राणि शुक्ल पक्षे शशी जथा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक पूर्ण रूप को धारण कर लेता है, जिसकी घर की लक्ष्मी व पत्नी मीठी बोले, मीठे व्यवहार से सभी को सम्मान करे, उस घर की सुख और संपदा ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रत्येक दिन बढ़ता बढ़ता पूर्ण चांद को प्राप्त होता है, उसी प्रकार
तो कोकिलानंग स्वररूपम स्त्रीणंग रूपम पतिव्रताम विद्या रूपम कुरूपाणाम। व्यक्ति बेशक देखने के लिए बहुत अगली क्यों ना हो, किंतु यदि वो विद्वान है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान व्यक्ति की सभी जगह पर पूजा होती है। विदेशे च सखा विद्या, विदेशे च सखा विद्या विपौतौ च सखा धनम, स्व गृहे च सखा नारी मरणान्ते सखा हरि। अपने घर में पत्नी साथी का काम करता है, बंधु का काम करता है, विपद में धन है तो विपद में काम आता है, किंतु मृत्यु समय में ना धन काम आता है, ना पत्नी काम आता है, ना विद्या काम होता है, केवल हरि नाम ही। मरणान्ते सखा, मरण के अंत में जो बंधु है, सखा है, साथी है, वो केवल हरि है। जब मानव हरि नाम का जप करता है तब भक्त उससे होता क्या है, ना हरि शब्दे न पापाने, हरि शब्द में पाप, हरि शब्दे न पापाने पलायन्ति दिगांतरम, दीग को छोड़ छोड़ के पाप भाग जाते हैं। सिंहपि गर्जनम श्रुत्वा पलायन्ति यथा अजा, अजा कहते हैं बकरी को, फीमेल बकरी को। जंगल में जब शेर का धाड़ आ जाए, गर्जन आ जाए, तो उसे सुनकर के लोमड़ियां और पशु पक्षियां और बकरी जैसे भागती हैं। भगवान के पवित्र नाम जब भक्त उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि शब्देन, हरि नाम के उच्चारण मात्रेन पलायन्ति पापानि, समस्त पाप भाग जाते हैं। जैसे कि सिंह की गर्जन सुन करके बकरियां भागती है। सो यहां पर कौन किसकी रूप है, ना कोकिलानंग स्वर रूपम स्त्रीणंग रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम रूपाणंग क्षमा रूपम तपस्विना। तपस्वी को कैसे पहचाने, तपस्वी की ब्यूटी क्या है, तपस्वी का सुंदरता क्या है, ना कितना क्षमाशील वो है, कितना क्षमा वो दे सकता है, वो क्षमा की मूर्ति है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मण भी उस कैटेगरी में आता है जो ब्राह्मण है। भगवद गीता में ब्राह्मण के गुण 9 गुण वर्णन किया है। 9 गुण से नागर है ब्राह्मण तभी वो ब्राह्मण कहलाता है। और जगन्नाथपुरी में ब्राह्मण को हम नाना कहते हैं, नाना, जिसके पास 9 गुण अवस्थित है वो ब्राह्मण है, वो नाना है। वो गुण क्या क्या है, ना समो समो दमह तपह शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। तो प्रथम जो तीन, समता दमता, सम शब्द का अर्थ है मन का निग्रह करना, मन जिसकी बस में हो। आजकल ऐसे ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं जो अपनी इंद्रियों की जो राजा मन है उसको अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, बहुत कम, बहुत ढूंढने से भी नहीं मिलते। दमता, इंद्रियों का दमन, 10 इंद्रियां शरीर में है, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां सबके ऊपर जिसने कंट्रोल किया हुआ हो। वाचो बेगम मनसः क्रोध वेगम,
जिह्वावेगम उदर उपपस्तवेगम एतान वेगान यो विसहेत धीर तत्मान पृथ्वीं शिष्यात्। सारा पृथ्वी को, सारा संसार को वो शिष्य बना सकता है जो ये छह आवेगों को रूप लिया हो, छह आवेगों के ऊपर जिसने विजय प्राप्त किया हो। पर संसार को आज हम देखते हैं तपस्वी की जीवन लेकर के दूसरों को प्रभावित करने के लिए वो कुछ बातों को सामने लेके आते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति भ्रमित हो जाए और बोले कितनी बड़ी तपस्वी है, वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा। उदाहरण, एक मुनि बाबा, उन्होंने क्या किया, 15 साल से बात नहीं किया, मौनाव्रत धारण किए हुए हैं, पर जब उन्हें जल चाहिए तो क्या करते हैं, वो इशारा से बात करते हैं, एक ग्लास पानी मुझे पिलाओ, मुझे प्यास लगी है, नहीं तो हाथ में लिखते हैं। अरे अंबक, प्रभुपाद जी इस बात को खंडन करते हैं, भगवत गीता इस बात को खंडन करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि पाखंडता, पाखंडता क्या है ना, दूसरों के मन के ऊपर प्रभाव डाल करके मन में विषय की चिंता करना, अपनी इंद्रियों को दबा के रखना ताकि दूसरे लोग ये समझे ये बड़े पहुंचे हुए संत हैं, किंतु मन के अंदर हम विषय की चिंता करें। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान ही विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। वो व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है, ढोंगी कहलाता है। नहीं, ठाकुर जी ने हमें इंद्रियां दिया, मुख दिया, तो गोविंद को कीर्तन करो, भगवान के बारे में बात करो, नहीं उस वाणी को बंद करके रख के दूसरे के मन में ये प्रभाव डालो मैं बात नहीं करता, पर जो बात जिह्वा करनी चाहिए बा मुंह करना चाहिए वो बात आप हाथ कर लेते हो, हाथ से लिख देते हो, हाथ करता है कर्मेंद्रियाणि, फिर मुंह को बंद करने की आवश्यक क्या था, समझ में आए भक्त ना। इसलिए भगवान ने जो इंद्रियां दी हैं, तुभ्यमेव समर्पयेत, हे गोविंद ये सब तुम्हारी है, हे ठाकुर जी आपके कृपा से ही ये दिव्य चक्षु आपने दिया है, मैंने संसार को देखा है, आपके कारण इस कान में मैंने श्रवण शक्ति पाया है, आपके कारण जिह्वा से मैं स्वाद को अनुभव कर पाता हूँ, आपके कारण त्वचा से मैं स्पर्श शक्ति को अनुभव कर पाता हूँ, अगर आपकी कृपा नहीं होता शरीर तो मृतवत है। इसलिए विशाल कूल संभवा विद्याहीन न शोभंती निर्गंधा किंशु का, मनुष्य का देह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए होता है, और किसी शरीर में हम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, इस श्रीमद् भागवत की कथा भी श्रवण नहीं कर पाते, केवल मनुष्य की देह एक है जिससे हम अच्छा और बुरा का निर्णय कर सकते हैं। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं जो मनुष्य शरीर को मिला है, दुर्लभ मानस देह देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभंगमन्ने वैकुंठप्रिय दर्शनम्। वैकुंठ किसका नाम है भक्त, भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्टर श्रवस दामोदर ऋषिकेश केशव माधव शोभो
दैतारी पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ध्वज पीताम्बर अच्युत सारंगिन विश्वकसेन जनार्दन उपेन्द्र इंद्रावरज चक्रपाणी चतुर्भुज पद्मनाभ मधुरीपुर वासुदेव त्रिविक्रम देवकीनंदन शौरी श्रीपति पुरुषोत्तम बनमाली बलिधुंसी कंसारात्रि अधोक्षज अमरकुश पुराण। ये सब नाम हमारे अष्टादश पुराण में लिखी गई है। अगर कोई नाम ऐसे आ जाए संस्कृत श्लोक में तो आंखें बंद करके समझ लेना ये भगवान विष्णु व कृष्ण को ही रेफर करता है। तो दुर्लभ मानस देह, ये मनुष्य का देह दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से जीव को प्राप्त होता है, किंतु हे राजा परीक्षित यदि वह मानव देह बहुत उत्तम है पर इसमें एक चीज बड़ी कमी है जिसका नाम है मृत्यु। मृत्यु रूपी तलवार प्रत्येक क्षण पर इसके सर पर लटक रहा है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए ये देह का दुरुपयोग नहीं कर, पल पल में वैकुंठ प्रिय, वैकुंठ है भगवान विष्णु, उनको प्रिय कौन है? भक्त। अहम सह च मम प्रिय, हे अर्जुन वो भक्त मुझे प्रिय है, मैं उससे प्रिय हूं, इसलिए अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त का अधीन होता हूं। भक्त मुझे जहां बैठाता है बैठता हूं, भक्त मुझे जहां उठाता है मैं उठता हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। नवम स्कंद श्रीमद् भागवतम। सो दुर्लभ मानस देह देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभंग मन्ने, उससे बढ़कर के यदि कोई दुर्लभ है वो क्या है मानव जीवन के लिए? ना वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ पति भगवान उनको प्रिय जो भक्त लोग हैं उनका दर्शन करना। तो भक्त कितना पवित्र है, जिसकी दर्शन मात्रेण क्या होता है, मनुष्य जीवन निर्मल बनता है। गंगा पापम शशि तापम कल्पम दैन तरु तथा पापम तापम च दैनम च हरेत साधु समागमे। गंगा जी में स्नान करो, माता गंगा पाप को धो देती है, ले जाती है। गंगा पाप शशि कहते हैं चंद्रमा को, जब रात्रि के समय चंद्रमा उदय हो जाए सारा दिन की जो गर्मी है वो चली जाती है, थोड़ा शीतलता प्रदान हो जाता है धरती माँ को। शशि तापम कल्पतरु, जो वांछा बट है वो तरु के पास जाकर के हम कामना करे वो इच्छा वो पूर्ण कर देते हैं। परंतु गंगा केवल पाप को धोने में समर्थ है, चंद्रमा केवल गर्मी को लेने में समर्थ है, और वांछा कल्प बट जो है वो केवल आपकी दरिद्रता को दूर करने में समर्थ है। ये तीनों व्यक्ति अलग अलग एक एक काम कर सकते हैं, किंतु पापम तापम च दैनम च, पाप भी और ताप भी और दैनता भी हरे हर जाता है जब साधु के दर्शन हो जाए। इसलिए साधु की महिमा है, पर सभी साधु नहीं हो सकते। शैले शैले नमाणिक्यम मौक्तिकम न गज गजे साधवो नहीं सर्वत्रम चंदनम न वने वने। चंदन की पेड़ सभी जंगलों में नहीं मिलता, जिस पेड़ में मलय हवा छू गया हो वो चंदन में बदल जाता है, उसके लिए तपस्या की जरूरत है। ऐसे की सभी शैलों में माणिक्य नहीं प्राप्त होते, किसी किसी पहाड़ों में ढूंढना पड़ता है।
सभी हाथियों के सर के ऊपर मुक्ता नहीं होती, ऐरावत हाथी के सर के ऊपर मुक्ता मिलता है। सभी जगह पर साधु की दर्शन नहीं होते, अच्छे साधु के। वस्त्र कोई धारण कर सकता है, वस्त्र की धारण एक यूनिफॉर्म है। हम ये संप्रदाय से आए, हम ये संप्रदाय से आए, हमें वो संप्रदाय से आए, परंतु हृदय की स्थिति क्या है वो तो केवल गोविंद जानते हैं और गुरु भी जानते हैं। इसलिए भक्त बड़ा महान होता है, जो अच्छे भक्त हैं वो सर्वत्र प्राप्त नहीं होते, उसके लिए तपस्या की आवश्यक पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण जो है वो वर्णनांग ब्राह्मण गुरु द्विजाते नाम गुरुर अग्नि वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु पतिरेव गुरुर पत्नी अतिथि सर्वत्र गुरु। द्विजाति जो दो बार जन्म लेते हैं, एक बार माँ के कोख से और दूसरा बार मंत्र की संस्कार से, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। हम जब नए भक्त बन के आते हैं मंदिर में, फिर हम प्रथम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद फिर 6 महीना 1 साल वेट करते हैं, फिर हम ट्रेनिंग लेते हैं। और आजकल तो हमारी सोसाइटी ब्राह्मण दीक्षा के लिए तो भक्ति शास्त्री कोर्स करना पड़ता है, राइट? तो फिर गुरुदेव हमें गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं, फिर हम ब्राह्मण बनते हैं। तो वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, और ब्राह्मण के गुरु है अग्नि, क्योंकि कोई भी कार्य हम करें पहले हम दिया जलाते हैं। दीपं ज्योति परम ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरते पापम दीप ज्योति नमस्तुते। तो अग्नि ब्राह्मण के गुरु है, इसलिए प्रथम दीप को जला करके उसकी उपासना ब्राह्मण करता है। और द्विजाति नाम गुरु अग्नि वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, जो चारों वर्ण है वो वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, वो जो तीन वर्ग रहे उनके गुरु ब्राह्मण है। और पत्नी की जो आद्य गुरु कौन है? ना पति है। और बिना बताए कभी घर में अतिथि साधु संत आ जाए उनको गुरु जैसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सर्वत्र गुरु। इसलिए ब्राह्मण वर्णों के गुरु होने के कारण उसमें सद्गुण है। ब्राह्मण दयाशील होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य के समान तेजस्वी है। ब्राह्मण मिथ्या भाषण नहीं करते, मिथ्या से मंत्र का फल नहीं प्राप्त होता, मंत्र घट जाता है। जो ब्राह्मण मिथ्या भाषण करे, बस साधु भी संत भी मिथ्या भाषण करे, मिथ्या से क्या होता है? मिथ्या को पाप बोली मणि करीब सदा सत्यवाणी। मिथ्या को हमेशा पाप समझ करके सत्य की सहारा लेना चाहिए, और क्योंकि असत्य बोलने वाले व्यक्ति का असत्य का पैर नहीं होता, वो सत्य की कंधे पर घूमता है। पर कितना दिन? एक ना एक दिन तो वो उतरेगा। जब उतरेगा तो क्या होगा? पता चलेगा ये असत्य था। तो इसलिए असत्य बोलने वाले व्यक्ति रात को सो नहीं पाता, मैं पकड़ जाऊंगा क्या? अच्छा मैं बोला था, मुझे देखा था किसने क्या? वो हमेशा भयभीत रहता है। निर्भीक सत्य बोलने वाला व्यक्ति एक बार सत्य बोले वो सारा जीवन तक वो निर्भीक होकर के घूमता है, क्योंकि चाहे मृत्यु भी मुझे आ जाए पर मैंने सत्य का सामना किया है। इसलिए हम सत्य से ही संबंध रखते हैं। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, हमारा संबंध भगवान कृष्ण से है, और भगवान कृष्ण सत्य के मूर्ति है। सत्य व्रतम सत्य प्रियम त्रि सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्यमृत्यम सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्नाः
दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम गर्भ स्तुति, देवकी के गर्भ की सामने देवता स्तुति करती है। हे ठाकुर जी, आप पूर्ण सत्य हो, सत्य की मूर्ति हो, और सत्य से संबंध रखने वाले व्यक्ति असत्य कैसे हो सकता है? इसलिए ब्राह्मण को चाहिए समाज में वो क्षमाशील बने। हरे कृष्ण बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत श्रोता भक्त वृंद की जय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के सामने जय ध्वनि की क्या आवश्यक नहीं। समय हो गया ना प्रभु जी, ना कोई प्रश्न पूछना चाहता है? एक दो प्रश्न का समाधान ना लेट हो गया हम। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जिस प्रकार से आप बता रहे थे चार प्रकार के पुरुष और चार प्रकार की स्त्रियां होती हैं, तो उसमें से सिर्फ एक ही का वर्णन आपने किया, बाकियों के बारे में प्रभु जी वो आवश्यक नहीं था, क्योंकि हम कुछ और रूप में गए। मैं पितामाता के ऊपर भी आना चाहता था, जैसे जमदग्न ऋषि और रेणुका, तो उसकी भी व्याख्या नहीं किया क्योंकि प्रॉपर्टी कुछ और रूप में है। तो मैं उस चर्चा को कभी और फिर उसकी विस्तृत विवरण करेंगे। कोई चरित्र ऐसे आ जाए गृहस्थ जीवन का, तो कोई फिर हम वर्णन करेंगे उसकी, जो चार भाग रहे वो क्या क्या है, जिसमें हम मिलकर आज देखो सारा सोसाइटी टूट चुका है। आप देखो भारतवर्ष में भी कितने मैरिजेस सक्सेस है इन टूडे, मे बी 60-70% आज सब ब्रेकअप में चले गए। पर ऐसा होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि हम किसी को मैच नहीं कराते। आज फैक्ट्री से शादी करता है, वर्ण वर्ण से, मैं ब्राह्मण हूं तुम ब्राह्मण हो शादी करो, पर शादी ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारी फैक्ट्री से मतलब है, शादी स्वभाव का होता है। तो एक उदाहरण, एक योनि होता है मूषिक योनि और एक होता है मार्जार योनि। जब मेलक हम करते हैं स्त्री और पुरुष का विवाह से पहले, हम बोले हम नहीं मानेंगे। आप हर बात मानते हो, इसको क्यों नहीं मानोगे? मंदिर जब बनाते हो कुछ पंडित को बोलते कौन से अच्छा दिन में मंदिर खुलेंगे, ऐसा क्यों? सब दिन तो अच्छा है भगवान के लिए, तो उस दिन खुलना चाहिए। नृसिंह चतुर्दशी के दिन खुला जाएगा मंदिर, क्यों ना? नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने किया था। हम किसी को शुभ मानते हैं, तो इसको भी मानना चाहिए। हम नहीं मान रहे हैं, इसलिए सब तो मानो तो देवता, नहीं मानो तो पत्थर। ये आपके ऊपर है आई? तो मार्जार जो नहीं मतलब है मार्जार हुआ बिल्ली, ठीक है, और मूषिक हुआ चूहा। अगर पुरुष चूहा हो गया और स्त्री हम मार्जार जो नहीं को दे दिए, क्या होगा? अब बताओ, तो सुख कहां आएगा? बोले मुझे भूख लगी है, नहीं फ्रिज में पड़ा है, कल से मैं रखा था, जब बीमार हूं खा लो, दिल टूट जाता है। कर्कश शब्द। इसलिए भक्तों को चाहिए जो भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, मधुरता से ही बात करें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का चरित्रता। अरे हे भक्त मेरे, भगवान ने इतना सुंदर वाणी तुम्हें दिया है, कोई टैक्स तो देना नहीं पड़ता, पर उसको गलत क्यों चलाना? मधुर शब्द में बोलो, प्रिय वाक्य प्रदान है ना। पशु पक्षी भी तुम्हारी ओर खींच करके आएंगे। मानव तो क्या, प्रभुपाद जी ने जब सारा विश्व को क्या दे करके एकत्र बना दिया, केवल वाणी ना। पर वाणी में क्या पावर था बताओ, क्या पवित्रता था। हम सभी आज प्रभुपाद जी के चरण में, प्रभुपाद जी ने तो हमें से कोई रुपया तो दिया नहीं, ना मोटरसाइकिल दिया,
केवल वाणी, वाणी गुणानुकथन श्रवणो कथायम हस्तौ च कर्मसु मनः स्तवपादय वर्णः स्मृत्याम सरस्तव निवासे जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतन्नु नाम। टेंथ कैंट श्रीमद भागवतम। जामल अर्जुन कुबेर के दो पुत्र स्तुति करते हैं भगवान को, ठाकुर जी हम आपके साथ नहीं जा सकते, अभी इतने दिनों के बाद आपकी कृपा से तो समझ में आया ये मानव शरीर का कीमत क्या है। वाणी गुणानुकथने, ये जो वाणी आज हम इसकी स्तुति में, उसकी स्तुति में, उसकी स्तुति में लगाते थे, आज हम आपके ही गुणगान करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। वाणी का व्यर्थ दुरुपयोग मत करो, भगवान के गुणगान करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी वो जो टॉपिक है ना, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, सो इसलिए उसको मैंने ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं कहा, पर कभी कोई टॉपिक आए अवश्य उसकी चर्चा अच्छे रूप से करें। क्षमा चाहिए, हरि बोल। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस्कॉन पंजाबी बाग YouTube चैनल पर। इस्कॉन पंजाबी बाग YouTube चैनल का पर्पस है कि हम हर रोज आपके सामने ला सके भगवान के सुंदर दर्शन, सुंदर कीर्तन, कृष्ण कथा, भजन और आने वाले नए उत्सव। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।